अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे के वागले स्टेट विभाग के 5 इलाके लॉकडाउन के नियम न मानने पर हुई पूरी तरह से सील। आपको बता दें, ठाणे के वागले विभाग में प्रभाग क्रमांक 6, 13, 14, 15 जिनमें लोकमान्य नगर, सावरकर नगर, इंदिरा नगर, ज्ञानेश्वर नगर और काजुवाड़ी इलाके आते हैं। इन इलाकों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और ठाणे के वागले विभाग कोरोना मरीजों के मामले में दूसरे नंबर पर है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 23 मार्च से ही लॉकडाउन लगाया गया है, मगर लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। लोग दुकानों पर भाजी मार्केट के बड़े पैमाने पर भीड़ लगा रहे हैं, रास्तों पर बेवजह घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहे हैं। इन्हीं कारणों से कोरोना वायरस को फैलने से नहीं रोक पा रहे हैं। कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, मगर यहाँ के लोग नहीं मान रहे हैं। 11 मई की रात 12 बजे से इन इलाकों में अगला आदेश आने तक पूरी तरह से बंद करने का आदेश जारी हुआ है। लोकमान्य सावरकर प्रभाग समिति क्षेत्र में पिछले 4-5 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। लॉकडाउन लागू होने के बाद भी लोग बिना वजह अलग अलग कारणों से बाहर निकल रहे हैं, गर्दी कर रहे हैं, जिससे कोरोना वायरस का फैलाव हो रहा है, तादाद बढ़ रही है और इस कोरोना वायरस को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, मगर ना तो ये लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखकर टीएमसी असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर श्याम होलकर ने इन इलाकों को पूरी तरह से सील करने का आदेश दिया है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है, इससे पहले यहाँ मच्छी मटन की दुकानें, राशन की दुकानें, भाजी तरकारी फल की दुकानें भी पूरी तरह बंद रखा जाएगा। सिर्फ दूध की डेयरी और मेडिकल स्टोर को ही खुला रखा जाएगा। प्रहार टाइम्स आपसे अपील करता है, बेवजह सड़कों पर ना निकले, दुकानों पर भीड़ ना लगाए, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, घरों में रहे, खुद भी सुरक्षित रहे, दूसरों को भी सुरक्षित रखे। तो तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।